हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है एलसीपी है, लाइटिंग कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग एलसीपी लगा हुआ है। तो लाइटिंग कंट्रोल पैनल क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसका वायरिंग वगैरह जो होता है, इसके बारे में आप लोग को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये कहाँ पर यूज होता है, इसका यूज करने का फ़ायदा वगैरह जो होता है वो मैं फुल डिटेल से बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइटिंग कंट्रोल पैनल यानी एलसीपी क्या होता है। तो एलसीपी जो होता है ये क्या होता है, पैनल होता है जिसका यूज हम लोग क्यों करते हैं कि जो हमारा बिल्डिंग में या आउटसाइड में कहीं भी जो लाइटिंग वगैरह होता है, लाइट जो होता है हमारा, उसको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए, स्विचिंग ऑफ और स्विचिंग ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। कि मान लीजिए बिल्डिंग का बाहर और बिल्डिंग के अंदर बहुत से बड़ा बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज वगैरह से होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत से लाइट होता है जिसको हम लोग को क्या होता है कि हमेशा ऑन नहीं रखना होता है। हम लोग टाइमिंग के हिसाब से उसको ऑन ऑफ करते हैं या सेंसर वगैरह लगा के उसको हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। तो अगर बहुत से एरिया होता है जहाँ पे हमेशा आदमी नहीं रहता है, या बहुत से एरिया होता है जहाँ पे क्या होता है कि रात में आदमी नहीं रहेगा, बहुत से एरिया है कि वहाँ पे कुछ टाइम आदमी रहेगा कुछ टाइम नहीं रहेगा, तो क्या होता है उसको हम लोग इसी पैनल के थ्रू ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कराते हैं। यानी इसमें अगर हम लोग टाइमर लगा के या प्रोग्राम कर देते हैं तो क्या होगा, टाइमिंग के हिसाब से क्या होता है इसमें पैनल में अगर हम लोग टाइम अगर सेट कर देते हैं तो उसी टाइम पे लाइट ऑन ऑफ होगा, या टाइमर लगा देते हैं तो उसी टाइम के हिसाब से क्या होगा ऑन ऑफ होगा, या हम लोग सेंसर का यूज करके कि जब आदमी जाए, मोशन सेंसर वगैरह से होता है, बहुत से अलग अलग सेंसर होता है जो लाइटिंग में सेंसर यूज किया जाता है, वो सब सेंसर का यूज करके क्या करते हैं, जब आदमी जाता है तो ऑन होता है, जब आदमी उधर से उस एरिया से बाहर आता है नहीं रहता है तो ऑफ होता है, या हम लोग इस पैनल से मैनुअल क्या कर सकते हैं, इससे इसमें पैनल के पास आकर के क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइटिंग को, या हम लोग किसी सिस्टम के द्वारा, BMS स्काडा के द्वारा, या हम लोग क्या होता है टच स्क्रीन जो होता है उसके थ्रू क्या करते हैं लाइटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक ही जगह से क्या कर सकते हैं, एक जगह हम लोग मेन पैनल कंट्रोल लगा के, या हर फील्ड में अलग अलग लोकल भी पैनल लगा रहता है, लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा एनर्जी जो होता है सेव होता है। यानी इसका मेन जो पर्पस होता है एनर्जी को सेव करना है। और ये कहाँ पे यूज होता है आप लोगों को पता चल गया होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करेंगे, ये जो आप लोग देख सकते हैं ये लॉक है अलग अलग, हम लोग ऐसे करके इसको ओपन कर लेंगे। ये पैनल भी अलग अलग का हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा क्या है आप लोग देख सकते हैं, एक्चुएटर सिर्फ लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक्चुएटर लगा हुआ है, मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे एक देख सकते हैं, इसमें जो मेन डिवाइस होता है यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक्चुएटर था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्चुएटर है, और ये जो है लाइन कपलर है, ये जो कपलर है KNX जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेन कपलर जो है लाइन कपलर या मेन कपलर, इसको मेन लाइन कपलर है आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है रेक्टिफायर है, ये आप लोग देख सकते हैं रेक्टिफायर का यूज क्यों होता है, AC को DC में कन्वर्ट करके ये जो है ये एक्चुएटर है, और KNX यूनिट जो ये जो है लाइन कपलर है, इसमें पावर सप्लाई कम्युनिकेशन के लिए जो पावर जो हम लोग देते हैं ये KNX से देते हैं। और इसमें KNX जो है आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन कपलर जो है ये क्यों यूज हो रहा है, बहुत से एक्चुएटर को कनेक्ट करने के लिए, मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताऊंगा, और पैनल है मैं आप लोग को उसमें दिखाऊंगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूं, इसका कनेक्शन वगैरह मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो इसको ओपन कर लेंगे, उसके बाद में मैं आप लोग को ये जो कनेक्शन है दिखाऊंगा कि किसका कनेक्शन कैसे होता है। इसमें मेन इक्विपमेंट सबसे पहले क्या होता है, रेक्टिफायर होता है, आप लोग कहीं जाएंगे तो रेक्टिफायर होगा, लाइन कपलर होता है एक्चुएटर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, और ये रेक्टिफायर जो होता है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए होता है। और ये एक्चुएटर जो है आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ये 4 चैनल का हो जाएगा, यानी 4 इसमें स्विच रहेगा, या 12 का होता है, या 8 का होता है, 16 का होता है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें ऊपर रहेगा, अगर यहाँ पे ऊपर रहेगा तो ऑन रहेगा, अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे है तो ऑफ है, आप लोग देख सकते हैं नीचे ऑफ लिखा हुआ है, ऊपर ऑन है, ये स्पेयर है तो ये खाली है, तो ये स्पेयर ये भी रहता है आप लोग देख सकते हैं। ये जो है आप लोग देख सकते हैं REC के 12×230 16, यानी ये जो है 12 चैनल है, 230 वोल्ट AC है और 16 एम्पियर ये जो है चैनल से हम लोग टोटल लोड जो है 16 एम्पियर तक हम लोग क्या कर सकते हैं इसे यूज कर सकते हैं। यानी जो बल्ब हम लोग लगाएंगे, लाइट जो लगाएंगे 16 एम्पियर से ज़्यादा इससे नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, 16 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा क्लियर लिखा हुआ है, तो इस पर लिखा रहता है कि कितना चैनल का है, आप लोग काउंट करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है कवर मैं रिमूव कर दिया हूँ आप लोग को, यहाँ पे ये भी मैं रिमूव करूँगा पूरा जो है पूरा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये स्क्रू ड्राइवर से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से चारों कोन पे
एक एक कोना पे क्या है, स्क्रू ड्राइवर है, इसको ओपन करके मैं दोनों ये जो है वो भी ओपन करूँगा और इसका पूरा कनेक्शन मैं आप लोग को डिटेल से बताऊँगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा और इसका डिस्प्ले वगैरह जो है मैं आप लोग को फुल डिटेल में दिखाऊँगा। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए ताकि आप लोग को पूरा फुल डिटेल से समझ में आ जाए, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न वगैरह नहीं रहे। ये भी जो है ओपन हो गया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है ओपन हो गया, तीनों ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आप लोग को मैं ड्राइंग भी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये जो है पावर आया हुआ है इसमें रेक्टिफायर में, ये न्यूट्रल और आप लोग देख सकते हैं लाइन और न्यूट्रल है और ये जो है ग्राउंड है आप लोग देख सकते हैं। तो ये 220 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 200 कितना दे सकते हैं, 110 से 220 वोल्ट और 50 से 60 हर्ट्ज दे सकते हैं एसी करंट। और ये जो आउटपुट देगा 30 वोल्ट देगा और ये जो है 640 मिली एम्पियर देगा, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आउटपुट मिलेगा और मैं आप लोग को ड्राइंग से पूरा क्लियर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये जो है इसमें मैं आप लोग को बता दूंगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो है एक एक्चुएटर है यहाँ पे, और आप लोग देखें लाइन कॉपलर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है एक्चुएटर है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कम्युनिकेशन का केबल लगा हुआ है, यहाँ पे कम्युनिकेशन का केबल लगा हुआ है। अगर टैग आप लोग देखेंगे तो इस पर आप लोग देख सकते हैं 2 dB 3 B 1 PL, यानी ये 2 dB यानी dB से आया होगा, 3 B IPL से, और ये 2 PMS यानी ये जो है PMS में जा रहा है। तो ये जो है आप लोग देखेंगे 2 dB 3 B 1 PL यहाँ पे आप लोग ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है LCP dB 3 B 1 PL यानी इससे जा रहा है, यहाँ से एक केबल जो है जा रहा है। मैं आप लोग को दिखाऊँगा यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो केबल है, ये केबल जो है 2 dB 3 B 1 ये जो है जा रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 dB 3 B 1 और वहीं जो है यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है आप लोग देख सकते हैं 3 dB 1 ये जो dB है इसका नंबर क्या है आप लोग देख सकते हैं LCP dB 3 B-1 वही है। और ये जो है आया हुआ है तो यहाँ पे लगा हुआ है टैग और यहाँ से जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये जो है जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक्चुएटर में, और एक जो है इसमें क्या हो रहा है ये लूप दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है यहाँ से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीन केबल है, आप लोग देख सकते हैं तीन केबल है, और एक यहाँ से जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है 2 EDB 3 B 1 यानी EDB 3 B 1 जो है ये दूसरा जो DB है वहाँ पे जा रहा है इसमें। और ये जो है ये एक जो है केबल ये लूप किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये जो है लूप है यहाँ पे, ये लूप है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग ट्रेस करेंगे ये जो है यहाँ से ये जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें गया है। और ये जो है 2 dB 3 dB 2 यानी ये दूसरा एक्चुएटर में जा रहा है, यानी इसका कम्युनिकेशन का कनेक्शन क्या होता है, जो है ये दोनों लूप है और यहाँ से इसमें गया है और इसमें से एक दूसरा जो है ऐसे एक्चुएटर में गया हुआ है और इसमें से भी एक दूसरा रूम जो है उसमें गया हुआ है। और इसमें जो है कम्युनिकेशन में देख लेंगे ये जो है इसका जो है हम लोग कनेक्शन देखेंगे, फिर मैं ड्राइंग से क्या करूँगा कोई एक डीबी का कनेक्शन बताऊँगा। जैसे कि आप लोग को मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि ये जो है सिंगल फेज आ रहा है, यहाँ से हमारा कितना हो रहा है 30 मिली एम्पियर और 640 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, कम्युनिकेशन के लिए ये जो है आउटपुट यूज हो रहा है। तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं तीन केबल है, तो एक केबल जो है इसमें से निकलेगा तो ये कॉपलर में आएगा, लाइन कॉपलर में, इसको एनर्जाइज करने के लिए कम्युनिकेशन, यहाँ से पावर आने के लिए कम्युनिकेशन के लिए क्या होगा एक केबल जाएगा, फिर इसमें से क्या हो रहा है एक केबल जो है ये जो है एक्चुएटर में जा रहा है एक्चुएटर को ऑन करने के लिए। और यहीं से आप लोग क्या देखें कि उस ये जो है अगला जो दो आप लोग को मैं दिखाया एक्चुएटर दोनों में यहीं से गया हुआ है, यहीं से क्या हुआ है इसमें गया है फिर वहाँ से लूप करके उसमें गया है, ये पूरा सीरीज में है। तो यहाँ से दो आप लोग को पता चला, एक जो है यहाँ आ रहा है एक इसमें जा रहा है, फिर एक जो है यहाँ से दूसरा जो है डीबी जो है उसमें जा रहा है। तो यहाँ से मैं आप लोग को दो दिखा दूंगा क्योंकि यहाँ पे दो है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है ये केबल है, आप लोग ये देखेंगे तो ये केबल ये आ रहा है, फिर यहाँ से अगर ये खींच रहा है तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला है, यानी एक यहाँ से आप लोग को मिल गया, फिर दूसरा ये जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से जा रहा है, ये कनेक्टेड होके ये जो है हिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये है। तो दो यहाँ से एक क्या हो रहा है कॉपलर में आ रहा है, एक चैनल में जा रहा है, यहाँ से दोनों में सप्लाई आ रहा है, फिर कम्युनिकेशन के लिए ये दोनों हो जाएगा। फिर ये जो है एक जो है यहाँ पर बचा ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है दूसरा डीबी में गया हुआ है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है इसमें पूरा जो इसमें से फिर जितना भी एक्चुएटर लगाएंगे हम लोग लाइन कपलर लेके, कितना हम लोग को अगर ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा अगर लाइट है तो लाइन कपलर हम लोग ऐड करते जाते हैं,
रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जितना ज़्यादा चैनल होगा उतना ज़्यादा हम लोग लाइन कपलर लगाएंगे। अगर पावर जो होगा, अगर हम लोग को पावर का भी ज़रूरत रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे अलग से क्या करते हैं, एक ये जो है रेक्टिफायर भी लगाते हैं। तो ये जो है ऐसा होता है कम्युनिकेशन का। अब जो है मेन हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल का जो है, आप लोग देख सकते हैं ये जो है क्या है, इलेक्ट्रिकल का केबल है। तो इसको हम लोग देख लेंगे, ये जो होता है मेन जो कनेक्शन होता है, मेन कनेक्शन यहीं होता है। तो हम लोग इसको देख लेंगे, तो ड्रॉइंग से मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि कहाँ से कैसे आया हुआ है। तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो येलो भाग है, ये है इसका मेन जो ड्रॉइंग है, यही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नीचे वाला जो है, आप लोग देख सकते हैं ये डीबी है, और ये जो है एलसीपी है, लाइटिंग कंट्रोल पैनल है, जो पैनल हम लोग देखें। और यहाँ पे 11 स्विच सर्किट है, यहाँ पे 11 जो है स्विचिंग सर्किट, 11 सर्किट स्विचिंग है, यानी 11 जो है लाइट को हम लोग सर्किट को ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो ये डीबी से क्या हो रहा है, एलसीपी, ये डीबी में जा रहा है पावर, फिर यहाँ से आउटपुट हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कम्युनिकेशन का ये केबल है, ये जो है डिटेक्टर पीडी, आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, परसेंस डिटेक्टर होता है। ये जो है मोमेंट का हो सकता है या प्रेशर का डिटेक्टर हो सकता है, कोई भी आप लोग सेंसर जो है, ये आप लोग कह सकते हैं कि ये सेंसर का है। तो सेंसर का ये कम्युनिकेशन में आप लोग देख सकते हैं आया हुआ है, देख सकते हैं पीएसयू यूनिट है उसमें जा रहा है, फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये कंप्यूटर में स्काडा में आप लोग देख सकते हैं डाला हुआ है। तो मैं आप लोग को डीबी दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा डीबी है, यहाँ पे ये जो है EDB-3BA, यहाँ पे देख सकते हैं LCB-EDB-3B-1, ये जो है इसका पावर जो है, हम लोग देखेंगे कि ये जो पावर जो आया हुआ है, इससे जो LCP है, लाइटिंग कंट्रोल पैनल है, इसका पावर कहाँ से आया हुआ है, क्योंकि ये तो हम लोग को चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं EDB-3B-1, यानी इसका जो जितना भी पावर जो कनेक्शन मिलेगा लाइटिंग का, जितना भी केबल जो यहाँ से लाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी गया है, इसी पैनल से गया है। तो हम लोग इसको ओपन कर लेंगे एक बार, फिर ओपन करके देख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसका पैनल है पूरा, जो जितना भी इस LCP में पावर गया हुआ है इसी MCB से गया हुआ है। तो हम लोग इसको बारी बारी से देख लेंगे कि इसका कनेक्शन जो है कैसे है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं R1 का है, Y1 का है, यानी ये MCB जो है R1 का है, ये Y1 का है। तो ये जो आया हुआ है यहाँ पे, तो R1 का एक इनपुट हुआ है, फिर ये आउटपुट, ये इनपुट Y1 का, फिर ये Y2 का क्या है आउटपुट है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं B1 है, B1 जो है यहाँ पे देख सकते हैं, तो B1 यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये इनपुट हुआ है, आउटपुट हुआ है। ये यहाँ तक क्या हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ से केवल जो है डीबी से, यहाँ से डीबी जो है यहाँ पे आ रहा है, इनपुट हो रहा है, फिर यहाँ से आउटपुट होके ये फील्ड में डायरेक्ट जो हमारा लाइट रहता है उसमें जाता है। तो वैसे ये पूरा कनेक्ट है, जैसे R2 और ये B2 P2, यहाँ पे देखेंगे आप देख सकते हैं R2 जो है लाइट का है, और ये Y2 जो है स्पेयर है, फिर यहाँ पे B2 जो है लाइट का यूज हो रहा है, FM लाइट है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं R2 आप लोगों को दिख रहा होगा, एक इनपुट आया है, आउटपुट B2 आ रहा है, Y यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखें क्या है, यहाँ पे स्पेयर डाला हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं Y2 जो है स्पेयर है। फिर वैसे हम लोग देखेंगे जो है B3, इसके पहले R3 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं R3 जो है स्पेयर है, Y3 स्पेयर है, B3 जो है लाइट है। लेकिन अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो B3 कहीं पे नहीं है, आप लोग देख सकते हैं B3 कहीं पे नहीं है। यहाँ पे हम लोग B2 तक देखें, यहाँ पे आप लोग आगे देखेंगे B3 नहीं है, यानी B3 जो है LCP से कनेक्टेड नहीं है। फिर हम लोग आगे देखेंगे तो R5 RY और 5R 5Y और 5B ये जो है, तो ये लाइट जो है 5 लोग देख सकते हैं R5 यहाँ पे आया हुआ है, R5 एक आ रहा है फिर जा रहा है, फिर यहाँ पे देखेंगे R5 है, ये जो है लूप किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये जो है R5 यहाँ से इसमें लूप किया हुआ है। एक ही जो है R5 का दो अलग अलग क्या हो रहा है, दो एक्चुएटर का यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये जो एरिया ज़्यादा होगा। फिर आप लोग देख सकते हैं R5 ये है, और B5 आप लोग देखें B5 भी था उसमें, तो B5 भी यूज हो रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ये लूप किया हुआ है, और इसमें से ये आउटपुट हो रहा है, ये आउट का है और ये लूप दिया हुआ है, फिर ये इन होकर फिर आउट हो रहा है। यानी क्या हो रहा है कि एक ही MCB यूज करके दो जगह यहाँ से सप्लाई जा रहा है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं R4 हम लोग देखेंगे इसमें है कि नहीं है, तो R4 है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो R4 यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं R4 जो है टॉयलेट लाइट का यूज किया जा रहा है, तो टॉयलेट के लिए R4 का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर अगर Y जो है 4Y जो है उसको देखेंगे, ये जो है 4Y जो है ये यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो 4Y जो है यूज हो रहा है, और R4 भी यूज हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे R4
यूज हो रहा है। तो आर फोर भी यहाँ पे जो है ये यूज हो रहा है और आर वाई भी यूज हो रहा है, लेकिन आर बी जो है यहाँ पे यूज हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन इस चैनल में फोर जो है नहीं है, बी फोर नहीं है, बी फाइव है लेकिन बी फोर नहीं है। तो इसमें से क्या हुआ है कि कुछ लाइट जो है डायरेक्ट ऑन किया जा रहा है, उसको सेंसर वगैरह या एल सी पी से ऑन ऑफ नहीं किया जा रहा है। जैसे आप लोग साइनेज पावर साइनेज पावर जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जितना भी साइनेज का जो पावर है ये क्या है, हम लोग को कंटिन्यू चाहिए, तो उसमें हम लोग क्या है एलसीपी नहीं लगाते, हम लोग को उसको ऑन ऑफ नहीं करना है। तो साइनेज पावर जो होता है हम लोग को 24 घंटा चाहिए, इसके लिए नहीं यूज हो रहा है। और यहाँ पर दे सकते हैं पावर सीपी यानी एलसीपी, पावर जो होगा ये सीपी को गया है यानी एलसीपी 001 का, तो ये जो है एलसीपी को पावर देने का, तो उसमें भी कंटिन्यू पावर चाहिए, इसके लिए इसमें यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट पावर गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्फीयर है ये जो है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये जो है पूरा क्या है, आप लोग देख सकते हैं एमसीबी है, ये जो है एमसीबी है, और यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं टीटी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग दबाए तो ये ट्रिप हो गया, तो ये क्या है, ये है आरसीबीओ, इसको दबा रहे हैं तो ये ऑफ है, इसके लिए ये क्या हो रहा है और ट्रिप नहीं हो रहा है, अगर इसको दबाएंगे ट्रिप हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि एमसीबी क्या होता है और आरसीबीओ क्या होता है, ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं इसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं अगर आप लोग को पता नहीं है। तो इसका कनेक्शन जो है आप लोग को पता चला होगा कैसे है, कि ये जो है पावर का कनेक्शन आप लोग को सिंपल सा क्या करना है, एक इनपुट लेके दूसरा आउटपुट, एक इनपुट फिर दूसरा आउटपुट, एक इनपुट दूसरा आउटपुट, और कम्युनिकेशन का मैं आप लोग को बता दिया कि क्या होता है कि यहाँ पे इनपुट डालते हैं और ये जो है रेक्टिफायर में जाता है, और रेक्टिफायर में से क्या करते हैं हम लोग इसमें लूप देते हैं, इसमें लूप देते हैं, और पूरा जो जितना भी अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग चैनल लगाते हैं, यहाँ पे एक ही है, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो चैनल है, यहाँ पे दो चैनल है, तो दोनों में लूप किया हुआ है, आप लोग ये देखेंगे यहाँ से ये जो है यहाँ से आके ये आप लोग देख सकते हैं इसमें लूप है, फिर इसमें क्या हो रहा है, एक ये जो है सप्लाई आ रहा है जा रहा है दूसरे जगह, ये दूसरे जगह जा रहा है, और इसमें जो है दूसरे में से आ रहा है, फिर इसी में से क्या हो रहा है इसमें जा रहा है, तो ये पूरा जो कम्युनिकेशन का केवल जो रहता है वो क्या होता है पूरा लूप रहता है। तो बहुत ही सिंपल होता है इसका जो कनेक्शन वगैरह होता है, देखेंगे कि ये जो है कम्युनिकेशन का यहाँ पे बहुत से केवल है, वो सब जितना था उसमें केवल नहीं था उतना कम्युनिकेशन, तो आप लोग देख सकते हैं 2i3 टॉयलेट पीडी, ये जो है आप लोग देख सकते हैं टॉयलेट पीडी यानी ये जो है सेंसर से आया हुआ है, परसेंस जो डिटेक्टर है उससे आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2HI टॉयलेट पीडी यानी ये भी डिटेक्टर है, तो ये डिटेक्टर का जितना भी है वो आके हमारा एक्चुएटर के ये इनपुट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ कम्युनिकेशन के लिए ये यूज हो रहा है, उसी के हिसाब से क्या होगा ये ऑन ऑफ होगा, जब सेंसर कमांड देगा तो ये ऑन ऑफ होगा, अगर हम लोग सेंसर लगाते हैं तो सही ये जो है उसके हिसाब से ऑन ऑफ होगा, या हम लोग टाइमिंग लगाते हैं तो ऑन ऑफ होगा, या हम लोग ऐसे आप लोग देख सकते हैं पैनल लाता है, पैनल से भी हम लोग आप लोग देख सकते हैं लेवल वन ये जो है लेवल एक्स चेंज, और यहाँ पे साउंड वगैरह रहता है तो हम लोग बता देंगे, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड अभी मुझे याद नहीं है, इसके लिए नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्ट वगैरह है, तो यहाँ से लोकल जो है यहाँ से हम लोग टाइमिंग वगैरह पूरा सेट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को पासवर्ड चाहिए। और ये जो है कनेक्शन जो है आप लोग इसका देख लिए पूरा, आप लोग का डाउट जो होगा वो क्लियर हो गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है केनेक्स का मेन जो है यहाँ से मेन कंट्रोलिंग होता है, यहाँ से जो है स्काडा में कनेक्शन जाता है, स्काडा से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कम्युनिकेशन का केबल जो है लगा हुआ है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो है एक टच स्क्रीन लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं टच स्क्रीन जो है हम लोग इससे भी मैनुअली क्या है ऑपरेट कर सकते हैं, स्काडा से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैनुअल मोड हम लोग सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन वाइज हम लोग बेसमेंट एरिया है ये आप लोग देख सकते हैं, जो भी एरिया का हम लोग को लाइट ऑन ऑफ करना है आप लोग देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर का हम लोग यहाँ से चेक कर लिए, तो ग्राउंड फ्लोर में आप लोग को ऑन करना है सिंपल सा, यहाँ पे ये डार्क है तो ऑफ है, वाइट हो जाएगा तो ऑन हो जाएगा, इसे टच करेंगे हो जाएगा, तो ये बहुत सिंपल होता है, नहीं तो हम लोग सिस्टम में भी जाके ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो अलग अलग टच स्क्रीन लगा रहता है, तो सिंपली हम लोग इसको आप लोग देखें कि हम लोग फील्ड से भी एक्चुएटर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक्चुएटर में आप लोग को मैं बताया कैसे ऑन ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ हम लोग मैनुअली एक्चुएटर को कर सकते हैं या टच स्क्रीन से कर सकते हैं, या हम लोग BMSS का डाल लगा है तो उससे कर सकते हैं, हर जगह BMSS काडा नहीं लगा रहता है, कहीं कहीं पे क्या होता है टच स्क्रीन भी लगा रहता है, नहीं तो टच स्क्रीन नहीं लगा रहेगा, तो सिंपल सा एक सिस्टम लगा रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है, अभी बंद पड़ा हुआ है, ये बंद है अभी यूज में नहीं है, तो हम लोग इसी से काम चला लेते हैं, तो अभी इसी से काम हम लोग का चल रहा है, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग उसको स्टिक करके चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चला होगा कि लाइटिंग कंट्रोल जो होता है वो क्या होता है और उसका कनेक्शन वगैरह जितना भी है आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, अगर आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है, आप लोग के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।